ओ आंटी, अपने इस मैकेनिक को बोलो हमारी कार भी ठीक कर दे। अरे नहीं नहीं बेटा, आप गलत समझ रहे हो, वो मैकेनिक नहीं, मेरा बेटा है। ओ बेटा है तो कोई नहीं, बेटे को ही बोल दो हमारी गाड़ी भी ठीक कर देगा। ऐसा करो, आप ये फोन ले लो, मैकेनिक को कॉल कर लो। एक्सक्यूज मी आंटी, आपको क्या लगता है हमारे पास फोन नहीं है? हमारे पास फोन है, पर मैकेनिक को बुलाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो अपने इस बेटे को बोल दो हमारी कार भी ठीक कर दे। देखने में वैसे भी मैकेनिक ही लग रहा है। तू सही कह रही है प्रीत, एक बार इसे देख तो, इसने धोती पहनी है। अबे इस जमाने में धोती कौन पहनता है? अरे तुम तो बड़े बदतमीज हो, ये कोई तरीका है हेल्प मांगने का? तुम तो मेरे बेटे को ही नीचा दिखा रहे हो। बुरा लग गया आंटी जी, सॉरी सॉरी धोती वाले भैया, पर क्या है ना आंटी जी, अगर ऐसा पहनावा लेके ये काम करेंगे तो हर कोई इनकी ऐसी बेइज्जती करेगा। अरे मैम आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने जो पहना है वो हमारे कल्चर का पार्ट है, संस्कृति है हमारी, और जो आपने पहना है वो वेस्टर्न कल्चर है, तो पहले आप हमारा जो कल्चर है वो सीखिए और फिर बोलिए। एक्सक्यूज मी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि शहर में ऐसे धोती पहनने वाले को ना गवार कहते हैं। आए बड़े मुझे कल्चर समझाने वाले। बस बहुत हो चुका तुम दोनों का, अरे तब से मेरे बेटे की बेइज्जती करते जा रहे हो। तुम लोग जानते भी हो वो कौन है? ओ, कौन है? कहीं का सुपरस्टार है? क्योंकि देखने में तो दो कौड़ी का मैकेनिक ही लग रहा है। तुम्हें तो मैं भी बताती हूँ। क्यों उनसे बहस कर रही है? वैसे भी देखिए इनको, लग रहा है बस ये बहस करने आ रखे हैं। वैसे भी कुत्तों की बस की है नहीं, और सामने वाले को नीचे दिखाना। ओ हेलो, बस की बात तो तुम करो ही मत, अभी बता दिया ना कि मेरा भाई कौन है तो हवा टाइट हो जाएगी तुम्हारी। इसी एरिया का जो इंस्पेक्टर है ना वो मेरा भाई है, समझे? इस एरिया के इंस्पेक्टर? अच्छा मिस्टर अतुल रावत, तुम उसकी बहन हो? ओ तो जानते हो मेरे भाई को, फिर तो पता होगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझसे ना जरा औकात में बात करो। अच्छा ऐसा है, तो मैं एक काम करता हूँ, उन्हें कॉल लगाता हूँ ताकि वो यहाँ पे आए और मुझे मेरी औकात दिखाए, है ना? हाँ हाँ बुला लो, और उन्हें ये भी बता देना कि मैं भी यही हूँ। हाँ अतुल, हो गई बात? हाँ हाँ आ रहे हैं, समझा देंगे मुझे आके। चलो फिर तो बढ़िया है, उन्हीं के कार में चल लेंगे हम। जैन सर, सर आपने गाड़ी मंगाई थी, थोड़ा लेट हो गए सर, सॉरी, इट्स ओके। अरे प्रीत तू यहाँ? भैया ये तुम्हारी बहन है? हाँ सर मेरी बहन है, क्यों कुछ करा गया इसने? नहीं कुछ किया तो नहीं, बस थोड़ी सी नहीं ना तमीज सिखाओ कि कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, खासकर अपने से बड़ों से। ठीक है चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है सर, जय हिंद। चलो माँ। भैया आप उन लोगों को सल्यूट क्यों कर रहे थे? कौन है वो लोग? कौन है तू पागल है, तुझे पता भी वो कौन है? हमारे शहर के आईपीएस ऑफिसर है वो। क्या आईपीएस ऑफिसर? हाँ और तूने उन्हीं के साथ बदतमीजी करी? सुकरमान वो अच्छे इंसान है, तेरी बात का ज्यादा बुरा नहीं माना, वरना मेरे साथ पता नहीं क्या ही करते। सॉरी भैया मुझे नहीं पता था कि वो आईपीएस ऑफिसर है, वरना मैं उनके साथ कभी ऐसे बिहेव ही नहीं करती। प्रीत बात आईपीएस ऑफिसर की नहीं है, बात है तुम्हारे बिहेवियर की। अगर उनकी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी तेरा बिहेवियर गलत ही होता। जी भैया सॉरी। तो घर जा, तुझसे घर पे मिलता हूँ।